ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। हाँ हाँ मैं बता दूंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, फूफा की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, बस दुआ करो। टेस्ट वगैरह करने का कहा है। अल्लाह रहम करे अपना, पता नहीं ये सब क्या हो गया है। बैठे बैठाए कितनी बड़ी परेशानी आ गई है। इंसान भी क्या से क्या प्लान करता है और क्या हो जाता है। अब पता नहीं ताहिर के जाने का क्या होगा। क्यों, अभी तो उसने अप्लाई किया था। नहीं, उसकी तो जॉब हो गई है। सबिया आई थी मिलने, वो बता रही थी कि 2 हफ्ते में ताहिर ने चले जाना था। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया, पूछूंगी उससे। ऐसे हालात में अब क्या पूछोगी, वो पहले ही फूफा की वजह से इतना परेशान होगा। तुम क्या सोच रही हो? यही कि ताहिर को ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। क्या इन हालात में वो फूफा फूफो को अकेला छोड़ के चला जाए क्या? शायस्ता, उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सोबिया, अगर उसका बाप मर गया तो वो भी उसे दोबारा नहीं मिलेगा। एक तो तुम लोग हर चीज में जज्बात क्यों ले आते हो? क्या मतलब है, माँ बाप के लिए कुछ सोचना जज्बाती होना है क्या? अच्छा, और करियर का क्या? छोड़ दे उसको। माँ बाप की खिदमत करेगा, उनकी दुआएं लेगा तो करियर दोबारा बन जाएगा। सोबिया खुद बताओ शायस्ता, अगर ताहिर बाहर निकल जाएगा तो उसके घर वालों की तो जिंदगी सवर जाएगी। और फूफा और फूफो का क्या होगा? तो वो कौन सा अकेले हैं? हम लोग हैं ना यहाँ पर, संभाल लेंगे। हम क्या कर लेंगे सोबिया? ताहिर उनका इकलौता बेटा है, ढारस है उनकी। यही तो मसला है तुम लोगों का, किसी के लिए दिमाग से सोचने के बजाय दिल को ले आते हो। एक तो मुझे तुम्हारी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती, और टेंशन भी हो रही है मुझे। तुमसे अगर मशवरा मांगा जाए तो ये सबको देना देना मशवरा। मुझसे भला कौन पूछेगा? अभी भी तुम्हारा हिस्सा है उसकी जिंदगी में। जो मैं किसी भी वक्त छोड़ने को तैयार हूँ, अगर हालात यही रहे तो। क्या? सो जाओ तुम ना टेंशन लो, ये ना हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। पहले ही बहुत टेंशन। साहब, बाजी बुला रही हैं आपको, उन्हें कोई जरूरी काम है आपसे। वो पूछेंगी तो क्या जवाब दूं?